सुंदर पहाड़ी क्षेत्र के डांगापाड़ा में कोयले का अवैध उत्खनन वर्षों से जारी था। ये बात खनन विभाग, जिला प्रशासन के अलावा शायद सबको मालूम थी। शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि आज खनन विभाग और जिला प्रशासन सहित वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोयले के अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। वहां से कोयला लेकर जाने वाले रास्ते को जेसीबी की मदद से अवरुद्ध किया गया। ज्ञात हो कि खनिज संपदा से भरी झारखंड की इस धरती में गोड्डा का सुंदर पहाड़ी क्षेत्र अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। सुंदर पहाड़ी के घने जंगल के बीच डांगापाड़ा नाम के इस जगह में कोयले का भंडार है, जो जंगल में बसे आदिवासियों के रोजी रोटी का एकमात्र जरिया भी है। उन्हें वैध और अवैध के बीच का अंतर शायद ही मालूम हो कि जहाँ की महिलाएं और बच्चे नुकीले हथियार से कोयला पहाड़ों की चट्टानों से काट कर अलग करते हैं और पुरुष उसे बेच दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। दिन रात शहरों में अवैध बालू की ढुलाई खनन विभाग को दिखती ही नहीं या देखना नहीं चाहते, लेकिन सुदूर जंगलों में अवैध कोयले की खान पर कार्रवाई काबिले तारीफ है। कार्रवाई में गए गोड्डा पुलिस इंस्पेक्टर उमेश महतो बताते हैं कि वहां कोयला खनन करते किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, ना ही मौके पर से खनन कार्य में उपयोग होने वाले हथियार ही बरामद किए गए। हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि सुंदर पहाड़ी एरिया क्षेत्र के डांगापाड़ा गांव के आसपास अनलीगल कोयला खदान है, जहां से वहां के लोगों के द्वारा अनलीगल कोयला का खनन किया जा रहा है। इसके सूचना पर हम थाना प्रभारी सुंदर पहाड़ी, डीएमओ गोड्डा और सीओ सुंदर पहाड़ी के साथ गए, जांच किए तो पाए कि कुछ एरिया में अनलीगल कोयला का माइनिंग किया जा रहा है। तो उसको हम लोग जेसीबी से, जहाँ भी माइनिंग किया जा रहा था, मिट्टी से भर के और उसका जो रास्ता जाने का रास्ता था, उस रास्ता में भी ट्रेस कट करके और अवरुद्ध करा दिए हैं और अगल बगल के लोगों को बोल दिया कि करके अनलीगल माइनिंग नहीं करना। मौके पर सर वहाँ पर क्या मिला सर? कुछ लोग वहाँ माइनिंग हो रही थी या फिर गाड़ी से या फिर साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किस प्रकार से कोयला उठाया जा रहा है? जिस समय हम लोग वहाँ गए थे, किसी तरह अनलीगल काम करते हुए कोई नहीं देखा गया। पूर्व में ही कभी कभार छुप छुप के रात्रि में या कभी दिन में भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन हम लोग जिस समय गए वहाँ कोई नहीं था, किसी तरह कोई औजार हथियार भी नहीं मिला। कितने रेडियस में ये चल रहा है? रेडियस वही मतलब 100 मीटर के रेडियस में दो तीन जगह। फिर अंदर तो उसकी गहराई तो ज़्यादा होगी? गहराई 10 फीट 15 फीट के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 10-12 फीट 15 फीट की गहराई में काम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। कुंभकर्णी नींद में सोई खनन विभाग अचानक से जागी है। उम्मीद है कि ऐसा ही अवैध खनन पर कार्रवाई विभाग और विभाग के पदाधिकारी करते रहेंगे। हर रोज नदियों की लुटती अस्मिता को बचाने के लिए भी प्रशासन उतनी ही सजग दिखे जितनी आज कोयला के इस खान को बंद करने में दिखी है।